हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी टाइटन कमीशन में हार्दिक स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो आज हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था उसमें जो भी हिमाचल प्रदेश जीके का पार्ट आया है उसकी आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला उन्ना और हमीरपुर में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आएगा शिवालिक। आगे है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु ये क्या आएगा? बर्फानी तेंदुआ। आगे है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आएगा सिरमौर। आगे है, बिरोजे और तारपिन के तेल के लिए जो बिरोजे के कारखाने हैं वो कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर और नाहन। आगे क्वेश्चन है हमारा, गिरी और पब्बर कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे आएगा यमुना। आगे हमारे पास, चंद्रताल झील कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आएगा लाहौल स्पीति। आगे है, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आएगा पालमपुर। आगे हमारे पास, इनमें से कौन सी जो झील है वो मैन मेड है? तो यहाँ पे आएगा गोविंद सागर। इसके अलावा आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पे आएगा इसका डी पार्ट, उन्ना वाला, ठीक है। आगे हमारे पास, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका आएगा सी पार्ट। आगे है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में अधिकतम वर्षा डैश से होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आगे है, हिमाचल प्रदेश में मानसून बर्फा डैश महीने में होती है? यहाँ पे आएगा जून से सितंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? यहाँ पे आएगा बियूल। आगे है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे हमारे पास, वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि जो जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आगे है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार का पेड़, ठीक है। तो ये थी हमारी एचपी जीके की आंसर की। आई होप आप सभी ने ये पार्ट सही किया होगा। थैंक यू।